आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को। हेलो, अबे तूने न्यूज देखा? पूरा देश लॉकडाउन हो गया है। हाँ भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अरे भाई, अब हम दबाकर मजे लेंगे। तेरे को पता मैं क्या करने वाला हूँ इन दिनों में? ना मैं पूरी वेब सीरीज खत्म कर दूंगा और पबजी में डेली चिकन डिनर करूंगा और तेरे भाभी से पूरे दिन बात करूंगा। तू बता, तू इस लॉकडाउन में क्या करने वाला है? अरे वाह। भैया जल्दी मुंह धुल लो, खाना खाना भूख लगी है। अरे हाँ छोटे, चल रहे हैं खाना खाने, रुक जाओ। रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर यही लॉकडाउन क्या होता है, गली मोहल्ले को। अरे कुछ नहीं छोटे, लॉकडाउन का मतलब होता है कि अब हमें अपने घरों पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, समझे? भैया आप काम नहीं करोगे तो हम 21 दिन तक क्या खाएंगे? छोटे तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे भैया, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आओ। क्या स्वादिष्ट भटूरे बनाए हैं। और बता भाई, आज क्या खाया तूने? अरे सच्ची, और तेरे को पता है जब से लॉकडाउन लगा है ना, मेरे तो मजे आ गए हैं भाई। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, डेली नई नई डिशेस बनती हैं भाई। हाँ भाई सच्ची। और तेरे को पता मैंने कल क्या बनाया था? कल मैंने गोलगप्पे बनाए थे भाई, और आज मैं मोमोज बनाने जा रहा हूँ। हाँ भाई कुछ भी बोले, और मजे आ गए दबा के। अच्छा तूने बनाया था? अरे वाह भाई सही। और क्या क्या बनाया था? अरे वाह। भैया क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं छोटे, उठ गए तुम? देखो खाना बट रहा था, हम खाना लेने गए थे। ये देखो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। आपका? अरे छोटा, हमें बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने अपना खाना वहीं खा लिया। आज से पहले तो आपने मेरे बिना खाना ही नहीं खाया। अरे यार तुम सवाल बहुत करते हो, चुपचाप अंदर जाओ और खाना खा लो। जाओ अंदर। लॉकडाउन में तो अमीरों के बहुत मजे होंगे। नहीं छोटे, ऐसा क्यों? उनके पास तो बड़े बड़े फोन, बड़ी बड़ी टीवियां हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे छोटे किसने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, समझे? भैया चलो हम भी बाहर घूमने चलते हैं। नहीं छोटे, लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलते, तो हम घर पे ही रहेंगे। पर भैया बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। नहीं छोटे, गधे और घोड़े में फर्क होता है। अगर हम भी घर से बाहर निकलेंगे तो उन तमाम लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलने में डर लगता है। तो छोटे हम घर में ही रहेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे। घर से बाहर निकल कर इस देश को बर्बाद होने में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, बल्कि घर में रहकर देश को इस संकट से बचाएंगे। जी भैया, हम सब मिलकर लॉकडाउन का पालन करेंगे। हाँ छोटे आओ। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, कोरोना तो सबके लिए बराबर है। वो ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है,
ये जंग किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये जंग पूरे हिंदुस्तान की है। इस जंग से हम तभी जीत सकते हैं जब हम लोग अपने घरों पे रहकर लॉकडाउन का पालन करेंगे। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों पे रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि हमारी जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगा रखी है। बस कुछ समय की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।